आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की मुलाकात क्या हुई? सोशल मीडिया पर तो वॉर होने लगा। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। कोई कह रहा है कि भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भगवा पहनकर इंडिया के सामने झुक गए हैं, तो कोई कह रहा है लगता है पलटी मारने की तैयारी में है। यूं कहें तो दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गया है। लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर निरहुआ की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कई यूजर्स इस मुलाकात को इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि जल्दी ही निरहुआ आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। निरहुआ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में भोजपुरी अंदाज में लिखा कि आज भोजपुरिया समाज के अभिभावक राजद के राष्ट्राध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद लेवे के साथ ही उहा के स्वास्थ्य लाभ के जानकारी भइल हा। लालू जी के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमनी के ही पहला मुलाकात रहल हा। हमनी भोजपुरी को लेकर खूब चर्चा कई। जैसे ही ये तस्वीर निरहुआ ने सोशल मीडिया पर डाली, वैसे ही यूजर्स अलग अलग कमेंट्स करने लगे। एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा कि आप अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार दर्शा रहे हैं, आप कितने सरल व्यक्ति हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो एक और यूजर ने लिखा, पार्टी कुनहो बा, यादव भाईचारा बरकरार रखे काबा, भारत के हर कोने में यादव की गूंज होगी। तो एक यूजर ने लालू के चारा घोटाले का जिक्र किया और लिखा, कुल जानवर का चारा खा गैला बा तो कैसे तोर अभिभावक तहु यह में शामिल ना हवे की बिरादरी में विवाद है। तो वहीं मोहित तोमर नाम के एक यूजर ने लिखा, निरहुआ भाई ये हजम नहीं हुआ कि भगवा पहनकर इंडिया के सामने झुक रहे हैं आप। एक यूजर ने तो मुलाकात में बिग बॉस की भी एंट्री करा दी और लिखा, एल्विस यादव तो कट्टर हिंदू हैं और आपकी पार्टी के सपोर्टर भी, फिर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया। एक तरफ तेजू भैया के पार्टी को एल्विस टारगेट करते थे, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। विपक्षी पार्टियों का दिल बहुत बड़ा है, सभी को माफ कर देते हैं। तो एक यूजर ने कह दिया, लग रहा है अगले टिकट का जुगाड़ शुरू हो गया है, इधर से लाल झंडा दिखा दिया गया है क्या। तो वहीं राजेश गौर नाम के एक यूजर ने लिखा, लालू जी ने भोजपुरी समाज के लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जो वो भोजपुरिया समाज के अभिभावक हो गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी और खूब लोगों ने अलग अलग कमेंट्स भी किए। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद चर्चा भी होने लगी कि क्या निरहुआ जल्दी ही आरजेडी में शामिल होने वाले हैं क्या, क्या निरहुआ बीजेपी को झटका देने वाले हैं। बहरहाल बता दें, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यूपी की आजमगढ़ संसदीय सीट से बीजेपी सांसद हैं। पहली बार जब उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने मुलायम सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था उनको। लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और सपा प्रत्याशी को हरा दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के लोगों के बीच अक्सर पहुंचते थे। किसी का निधन हो या फिर किसी का जन्म हुआ हो, दिनेश लाल यादव हरदम पहुंचते थे और शायद यही कारण है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें उपचुनाव में जीत दिलाई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।